रच रच के चाहिया पियौले छोटे साहब चाई के पास लपारू दे सो। आज वही है कि मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। हमारे गुरु दुल्हे बना दिया तू। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम अपने स्टेशन पे खड़े हैं। हमारे एक साथी का जो है रिटायरमेंट है, रेल से रिटायर हो रहे हैं वो, और साथी भी हैं हमारे और हमारे गुरु भी थे वो। तो करीब हमको जो है 9 साल हमारे साथ काम किए थे, हम उनके साथ किए थे, काफ़ी चीज़ हमको सिखाए हैं वो। तो चलते हैं दिखाते हैं पूरा वीडियो और कैसे हमारे यहाँ रिटायर होते हैं, कैसे पार्टी किया जाता है वो भी दिखाएंगे। कि और भी कुछ टीम आई है, देखते हैं कुछ कोई बजा भी रहा है। तो रूम की तरफ जा रहे हैं, उधर टेंट वगैरह लग गया है, तो कुछ लोग आए भी हैं और खाना इधर बन रहा है इस वाले रूम में। चलते हैं देखते हैं। जियो भाई, जियो जियो, वाह भाई। खाना वाला व्यवस्था इधर है रूम के बगल में, इधर टीम लगी है। कहा सूरज भाई, नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया। शुरू कर दिया आइटम बनाना? पहले क्या बना रहे हो? अच्छा रसगुल्ला बना रहे हो पहले? तो खाने वाला आइटम इधर ही बन रहा है सब। तो टीम लग गई है सब। तो वैसे ही वो आए थे, कोई जा रहा था, बजाने लगे यहाँ पे आके, तो नाचने भी लगे थे। तो अभी डीजे वगैरह आएगा, अभी तो टेंट वगैरह लग रहा है, कुर्सी वगैरह आ रही है, अभी डीजे वगैरह आएगा और भी टीम हमारी आएगी करीब शाम तक। तो करीब 200-250 आदमी का प्रोग्राम रहेगा। उसको खाना उधर बन रहा है, इधर साफ सफाई हो रहा है, थोड़ा पानी मार के झाड़ू वगैरह मारा जा रहा है। सुनील काफ़ी मेहनत कर रहा है यहाँ पे भाई, पूरा देखो सफाई कर रहा है, कुर्सी उर्सी हटाई जा रही है, उधर भी टेंट के नीचे भी जो है व्यवस्था हो रहा है। डीजे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है, पूरा सीधा वही मार दिया। तो खाना भी हमारा एकदम रेडी हो गया है। कब है सूरज भाई, रेडी हो गया है? जरा दिखाओ, जरा दिखाओ क्या क्या बनाए हो आज। चावल है, चावल तैयार है। अच्छा पुलाव बना रहे हो? पनीर बन गया, सूखी बन गई दाल, पनीर इधर देखे क्या है इसमें, दाल है, दाल और काला जाम इधर रेडी हो गया। इसमें क्या है? वीडियो बनाओ, इधर आटा है। इसमें क्या है? मिक्स वेज रेडी हो गया, तैयार है। एक दो तीन चार पाँच सलाद तैयार है, फोटो सलाद भी एकदम रेडी हो गया है। इधर आटा लग गया है, आटा भी लग गया है पोड़ी के लिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा, आधा घंटा कम से कम, आराम से बनाओ, एक घंटा बनाओ, मगर बढ़िया बनाओ, एकदम लोहा का हीरा बढ़िया बनाओ, है ना? हीरा का बनाई है मेरा। तो खाना एकदम रेडी भी हो गया है, सिर्फ चावल बनाना है अभी। पूरी बनाने कहाँ समय लगता है, इतने लोग हैं, फटाफट अभी बेलेंगे, फटाफट निकालेंगे। तो फर्स्ट क्लास चल रहा है पूरा व्यवस्था, काफ़ी आइटम बना गए, 6-7 आइटम अभी दिखाए हैं। अभी पट्टी वाला प्रोग्राम भी चल रहा है उधर, जहाँ पे भी दिखाए थे। तो पूरा व्यवस्था कर रहे हैं हम, इधर जा रहा है पोल वगैरह, माला वगैरह स्टेट पे लगाया जाएगा। क्यों भाई, आज हमारे गुरु को विदाई कर दोगे यहाँ रेल से? चलिए ठीक है, आज उनका अंतिम कार्य दिवस है। तो स्टेट को सजा रहे हैं हमारे हिमांशु भाई। क्यों हिमांशु भाई? हाँ बिल्कुल। तो अभी हमारे साथी अभी नहीं आए हैं, तो आ रहे हैं, साथी भी हैं, गुरु भी हैं। क्यों भाई? हमारे तो गुरु ही हैं यार। अभी अभी मत निकालना, नहीं फूल सूख जाएगा माला। हाँ रहने दो, इसे इसे रहने दो अभी। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है हमारा, इधर सब लोग बैठ गए हैं, हमारे गुरु भी बैठ गए हैं इधर, इधर हमारी सारी टीम भी बैठ रही है। ये देखिए सब लोग जा रहे हैं बैठने के लिए, अपनी अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, सब लोग जा रहे हैं। गुरु हमारा बैठ गया बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे भी हमारे सर बोले थे, बंधुआ गला जी सर बोले थे कि सीखना है इनसे कुछ, मुली राम जी से कुछ सीखना है। तो मैं अभी कुछ दिन साथी हमारे खड़े हैं यहाँ पे, बैठे भी जितने पे हैं,
अभी ये नहीं जानते हैं कि हम और मुरलीराम जी जो है करीब 9 या 8 साल जो है साथ में काम किए थे, जो भी हम कुछ सीखे थे और जो भी हम कुछ जानते हैं, मेट जो हमको मेट थे हमारे पहले, अब तो कीमैन बन के हम यहाँ आए थे, दोबारा मेट बने थे, तो जो भी हम सीखे हैं सब हमारे मेट मुरलीराम जी, इनको हमेशा गुरु बोलते हैं, क्योंकि हमारा भी कई जगह वीडियो भी बनाते हैं, हम हमेशा ही बोलते रहते हैं कि हमारे गुरु हैं। आज का भी जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आज भी बोले थे हमारे गुरु का रिटायरमेंट हो रहे हैं, बहुत बहुत ये हमको बहुत खुशी होती है कि जो भी कोई रेल से अगर सेवा करके जा रहा है बहुत अच्छे से जो है चला जाए। और एक चीज और बताएंगे हम, हमारे गुरु जो हैं मुरलीराम जी बहुत बढ़िया है काम करने में, और बाकी एक चीज और बताएंगे कि ये डीआर अवार्ड भी पा चुके हैं, डेलमेंट बचाए थे, गाड़ी गिरने से बचाए थे, इनसे हम कुछ सीखे थे, हम हमेशा बोलते हैं ये हमारे गुरु थे, हम इनके साथ में करीब जो है 9 साल काम किए थे, उसके बाद हम चले आए थे, आज 7-8 साल से जो है मुसाफिर खाना श्रीनगर में हम काम करते हैं, काफी दिन से हमारा इनका साथ छोड़ गया, और बीच बीच में भी मिलते रहते हैं, पर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कल से जो है हमारे साथ नहीं रहेंगे काम करने में, बाकी मुलाकात तो हमेशा होती रहेगी, और साइड पर जब काम करते हैं हम लोग दो लोग मिल करके, और भी हमारी कुछ टीम जो बाहर की रहती है जिसे आती है, जो हमेशा जो है काम करने वाली जो टीम रहती है बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारे साथ मुरलीराम जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक काम करने में, तो इनको हमेशा गुरु मानते हैं और आज भी गुरु मानते हैं, कई वीडियो में हम बोल चुके हैं ये हमारे गुरु हैं और गुरु ही हैं, ताकि इनसे हम कई काम सीखे हैं और पूरा काम सीखे हैं। थैंक यू। कहे किसी से कुछ कहा सुनी हो गई होगी, काम के दौरान तमाम चीजें हुई होंगी, तो मैं मुरलीराम से चाहूंगा कि आप भी अपना आशीर्वाद अपने साथियों को देने का काम, सभी साथियों से, सभी अफसरों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन यही है, बुजुर्गों से प्रणाम, छोटे अधिकारियों से हमारे जो है नमस्कार, 15-10-87 से आवाज तक, हमको ये नहीं समझ पड़ा कि हम नौकरी कर रहे हैं, इसलिए मैं सुनिए इंकलाब जिंदाबाद के आशीर्वाद से, हमारे बच्चों के आशीर्वाद से, हमारे एसएससी साहब के आशीर्वाद से, ध्यान रख हमारे जो है मेन्स यूनियन सभी अधिकारियों आए हैं इनके आशीर्वाद से, सभी बच्चों के आशीर्वाद से, हमको ये नहीं पता चला कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्यों पूछा जाए काहे का, एक कर्मचारी को 8 PRC पैकिंग देना ये मैनुअल है, लेकिन हम बहुत प्यार से जब हम निहुर जाते हैं हंसी मजाक में, ये पता नहीं चलता है कि 30 PRC की है कि 40 PRC की है कि 50 PRC कहीं बन के नहीं आ जाते, आंखों से बनाया जा रहा है। हमारे सेक्शन इंजीनियर साहब निहालगढ़ के, इनको हम ये नहीं समझते हैं कि सेक्शन इंजीनियर है, हम इनको समझते हैं कि राम है, क्यों इसे पूछा जाए क्यों। और हमारे छोटे साहब जो है बधुआ कला के, वो लक्ष्मण है, ये मैं कारण पूछा जाए कहेगा, जब बाण जो है राम के लक्ष्मण के चढ़ा रहा था तो लक्ष्मण बहुत जल्दी करते हैं कि निकाली, लेकिन राम रुकते हैं कि रुको रुको अभी रुको भाई रुको। राम जो है, राम की आवाज जो निकली तो लक्ष्मण शांत हो जाते हैं, क्यों शांत हो जाते हैं, वो मैं ऊंचा है बताइए सही है। इनके यहाँ जो है भगवान के दरवाजा खुला है, क्योंकि भगवान क्या रोते हुए जाता है तो हंसते हुए उनके दरबार से निकल जाता है। अब आ जाए यहीं पर मुसाफिर खाना के बजरंग बली साहब बैठे हुए पूरा एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेचर का है बहुत बढ़िया। हमारे सेक्शन इंजीनियर साहब जो 2 घंटे के ब्लॉक लेते हैं 60 kg की रेल फेंकने के लिए, तो हमारे बजरंग बली साहब का पहाड़ उठा देते हैं, कैलाश पर्वत पे बजरंग बली ने सोचा कि यार सजीवन बूटी का ये पत्ता जो है दीपक चला है पूरा भाई, पर कैलाश पर्वत भी आ गया। अब ये जो साबर लेकर 20 किलो को उठाए तो फिर से जम बते, हमारे जितने कर्मचारी छोटे बच्चे हैं उनके जैसे बिजली करंट लगता है,
जहां दो घंटे के ब्लॉक आधा घंटे में फाइनल हो जाता है। क्या है जोश है ना, चाहे जोश समझो चाहे हंसी समझो चाहे मजाक समझो। अब यही बात है हमारे पदुआ कला के छोटे साहब, हमारा इनका जो है काम के विषय में नहीं होता काहे का, हम इनका जो ना ढेर भी बताए आज यहाँ हो जाए आज हुआ जो जाए, लेकिन इनका इनका सहूर दिमाग ये है जैसे जज के सामने दोनों पार्टी से जो बहुत जूझी जूझा होते हैं लेकिन बाहर निकलते तो हाथ मिलाते हैं। हमारा इनका सूर्या का छोटे साहब को मनोज भाइयों सभी साथियों सभी हमारे अफसर बैठे हुए हैं, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, प्रणाम करता हूँ स्वीकार करता हूँ सभी साथियों से। छोटा से शहर है क्या है रची रची के चाहिया। वाह भाई वाह, अब क्या कर रहे हो, क्या शादी नहीं करोगे? वाह भाई वाह वाह, जो गुरु रची रची के चाहिया छोटे साहब चाई के बसे लपारू दे सो चाई के बसे लपारू दे आज उसे नतवा तो छूटल मोरे साहब। रची रची के चाहिया, अरे ये चाय नहीं थर्रा वाली गरम वाली चाय साहब गरम वाली। रची रची के चाहिया पियौले मोरे साहब चाई के बसे लपारू दे सो जाई के बसे लपारू दे। तो यहाँ तो सब कोई कर्मचारी सब पढ़ते हैं लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब कभी जाता है क्योंकि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि एक एक खुशी होता है दुख का, एक खुशी हो का सुख का हमारे यहाँ से गिले जाओ। क्यों कि सबका आशीर्वाद है, हमारे बड़े अधिकारियों का छोटे अधिकारियों का सभी का आशीर्वाद है कि आज सब कोई इकट्ठा हुए हैं। जो मैं सपने में नहीं सोचता था आज मेरा सपना पूरा। जय भारत। मुसाफिर खाना के दौल भाई रविशंकर सर आए और माल्यार्पण करके मेज को गुरु जी के लिए अरे रुका था। अब हमारे 20 नंबर के मेज श्री आशीष कुमार मूली राम मेट चाय को माल्यार्पण करेंगे जो उनके गुरु जी हैं। एनआरएमयू के यूथ शाखा मंत्री सरोज जी जो है एक नंबर रैंक नंबर 19 के मेट का माल्यार्पण करें और जो है पुष्प गुच्छ दे करके उनको आशीर्वाद उनका प्रदान प्राप्त करें। सर जी बोला मनोज साहब बोला तो रैंक नंबर 20 के मेट आशीष भाई जी मेट जी का माल्यार्पण करते हुए और गिफ्ट भेंट करते हुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए माल्यार्पण करते हुए जब प्रदान गिफ्ट करते हुए हमारे जेई सर दोस्तों खाने वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है इधर तो सारे हमारी टीम खा रही है तभी मूली राम से भी बाद में मिलेंगे बाकी टीम हमारी खा ले तो बाकी कुछ लोग भी इधर इधर उधर घूम रहे हैं तो इधर प्रोग्राम चालू हो गया कुछ लोग खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं तो बाकी हमारी ट्रेन भी आगे खड़ी हो गई है इधर से तो चल रहे हैं जहाँ खाना बना वहाँ देखते हैं क्या क्या अभी चल रहा है। राकेश भैया अभी जा रहे हैं घूम के ठीक है।
इधर पूरा एकदम पूड़ी वगैरह चालू हो गया है, ये खाना भी चालू हो गया, सब खाना जा रहा है इधर से। क्या हो गया भाई एकदम जब पनीर ले जा रहे हो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बहुत बढ़िया है। तो सब आइटम एकदम रेडी हो गया, पूड़ी फटाफट गरम गरम निकल रही है, खाना भी सब चालू हो गया है। तो पैकिंग जाएगा हमारे नाइट में जो गेट पे जो काम करते हैं, नाइट में जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी खाना पैकिंग हो रहा है। तो पप्पू भाई हमारा पैकिंग कर रहे हैं, कोष्टीपन भी पैकिंग जाएगा, सलाद वाला इधर एकदम रेडी हो गया है, करण भी आ गया, इसको भी पैकिंग करना है, गेट पे जाना है नाइट में जिसको। भैया आइए इधर, आप इधर आइए भाई, पैकिंग कर दीजिए, आपका काम है, हम लोग का काम नहीं, आपका भी। और क्या काम करिए, पैकिंग करिए। दोस्तों अभी खाना चल रहा है, अभी हम अपने गुरु से मिलते हैं, हमारे मेट, कई बार आप वीडियो देखे थे साथ में हम लोग जो है काम करते थे, तो अभी इनको बैठाते हैं, इनसे आज पुरानी बातें ताजी करेंगे, ताकि हम लोग काफी दिन से काम किए थे जब से, वो चीज आज दिखाते हैं। तो आ गए अपने गुरु के साथ में, तो बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है काफी दिन काम किए थे, अभी जैसे कि अभी सब लोग बोल रहे थे, हम भी कुछ बोले थे, तो कई वीडियो हमारा हमारे मेट साहब के साथ था, गुरु बोलते हैं मेट साहब, वो मजाक ही बहुत ज़्यादा करते थे, हम लोग बहुत मजाक करते थे, और कितना कितना मजाक किए हैं, उतना कोई मजाक अपने दोस्त से नहीं करता है, ऐसा मजाक करते थे कि शायद आसमान और जमीन हिल जाए। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत मजा आता था उनके साथ काम करने, अभी एक वीडियो और भी डाले थे जैसे कि गुरु के साथ में रेल उठा रहे हैं, कई वीडियो हमारे उनके साथ में भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आज हमारे गुरु जा रहे हैं। हकीकत में ये कहने वाली बात नहीं है, हम जो है शुरू शुरू जब कीमैन बने थे और इनके साथ में काम जब कर रहे थे, इनके अंडर में अपने गुरु जी के अंडर में जब काम कर रहे थे हम, तो कुछ नहीं जानते थे, रियली कुछ नहीं जानते थे, और हमको जो है ऐसा जगह पे पोस्ट किया गया था जहाँ पे यार्ड था, यार्ड मतलब कि स्टेशन था, वहाँ पे एकदम नए थे हम, तो काफ़ी सपोर्ट हमको इनको मिला था, बहुत सपोर्ट हमको किए थे, और काफ़ी चीज़ सीखे थे, पहले से हमको सिखा दिए थे, एक चीज़ था कि जो पहले से हमको सिखाया गया था, हमारे मेट जी हमारे गुरु जो थे काफ़ी दिन पहले जो है जब हम लोग साथ में काम करते थे, और दूसरे सेक्शन में जब थे, जब हम जो लोग साथ में करते, हाँ और गैंग नंबर 24 में सब लोग नहीं पहचान जानते हैं, अपना जो हमारा स्टाफ है वो गैंग नंबर 24 समझते हैं, जैसे मेट साहब हमारे बोल रहे हैं गैंग नंबर 24 में, तो आप लोग नहीं समझ सकते हो गैंग नंबर 24 में, जो अदर देखते हैं हम लोग को साथ में, तो वो लोग नहीं जानते गैंग नंबर 24, तो हम लोग जहाँ काम करते थे उसके बाद हम लोग जो है फिर हमारा ट्रांसफर हो गया, हम फिर अलग जगह चले गए, तो जो काम सीखे थे वो आज भी हमको रंग आ रहा है, और काम करते हैं इन्हीं की देन थी हमारी, इसलिए हम गुरु बोलते हैं, हकीकत में हमारे गुरु थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ और बताएंगे आज हम, जब हम पहले खाना जब बनाते थे तो रोटी हमारे गुरु ही बोलते बेलते थे, सही है नहीं है ना, तो हमारे गुरु ही रोटी हमको बना करके जो है देते थे, बताइए बहुत अच्छा लगता था काम करने में, बहुत अच्छा लगा। मगर एक चीज़ आज हम अकेले हो गए हैं, अकेले इसलिए हो गए हैं कि सेक्शन में अब इतना जानकार कोई नहीं है, जो हम कुछ सीखे थे उतने ही सीखे थे हम अपने गुरु से, और उसके आगे कोई अभी उतना जानकार नहीं है, हम भी उतना जानकार नहीं है, अपने गुरु के सामने कोई भी जानकारी नहीं है हमारे पास उतना, तो बाकी उतना हमको ठीक ठाक है, स्वस्थ रहो मस्त रहो, लग रहा है कि हम कुछ गुरु से अपने सीखे थे तो अच्छा था, सीखे हैं उतना भी नहीं सीखे हैं जितना हमारे गुरु थे, और आगे भी जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं, आज हम अकेले पड़ गए, ताकि हमारे में तीन टीम है, हमारे सर के अंडर में टीम है, एक हम, एक हमारे गुरु, एक और लोग हैं, तो एक लोग को शायद वीडियो में देखे होंगे, सुनील नाम है, तो बाकी अब उनके काम करने का तरीका क्या है इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, जो हमारे गुरु हमको जो सिखाए थे वो काम करने का तरीका हमारा इनका दोनों का अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगा था। आज हमारे गुरु जी जो है जा रहे हैं, बस ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं, हमेशा मुलाकात होगी, वीडियो हमेशा दिखाएंगे आप, लेकिन ये भी मैं प्रयास करता हूँ अपने भाई से दोस्तों से, अगर जैसे कोनो काम फंसे तो ये ना सोचना कि मुनीराम रिटायर हो गए, मैं उस दिन जरूर आऊंगा, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, करके मैं आऊंगा आपसे, अगर हम रिटायर आज रेल से रिटायर भी हो गए हैं, बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं, रेल से रिटायर भी हो गए हैं, मगर तब भी बोल रहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा, आऊंगा जब हम बुलाएंगे तो ना, बिल्कुल नहीं हम नहीं कोई बुलाएगा, कोई भी बुलाएगा, कोई भी कर्मचारी बुलाएगा, हमारा जैसे प्यार पहले था वैसे आज भी है, वैसे फिर भी रहेगा, कब तक मर तक दम तक। और इतनी हंसी मजाक हुई है कि ऐसा
यार दोस्ती में हंसी मजाक नहीं हुई है, सही है? सही है, बहुत हंसी मजाक हुई है, हंसी मजाक इतना हमारे साथ शायद इतनी हंसी मजाक हुई शायद तो वहाँ अगर भगवान नाराज रहा है हाँ। तो हंसी मजाक में खुशी हो जाए वह देखा तो ये बोलो तुम क्या मांग रहे हो। तो हम लोग का यही सही प्यार था, इतना बहुत काफी दिन चल गया। अच्छा है कि फर्स्ट क्लास अवार्ड पाए थे, अभी जैसे कि वीडियो में बताए थे पहले जो है कि DRM अवार्ड भी पाए हैं, डेलमिट बचाए हैं, ट्रेन गिनने से बचाए हैं आज इन, हाँ। आज वही है कि मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद और मोहब्बत आती है बिछड़ जाने के बाद। हमारे गुरु को दुल्हन बना दिया, तो गजब दुल्हन बनाया हमारे गुरु का। बदरी जहाँ पहुँचे हम दुल्हन बनाए नहीं है सबका, अब क्या कर रही है चाहता है तू? अब तो छोड़ दिया, अब तो छोड़ दिया, जाए दिया भाई, छोड़ दिया भाई ने। तो क्या कर रही है हमारे गुरु का? भाई ने कैसे छोड़ दिया इतना जल्दी? तो अबे अच्छा अबे जो 6 घंटा बचा है ना, 12 बजे रतिया तक का रगड़ दिया बा, मतलब काफी है ठीक है, जब 60 साल तक रगड़े यहाँ तो और रगड़ दिया 6 घंटा का दिक्कत है प्रदीप। गुरु हमारे कुछ लोग से मिल रहे हैं, आज रिटायर हो रहे हैं तो सब लोग मुलाकात कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं इधर, इधर भी जो है खाना खा रहे हैं। अरे भाई खा लिए जी भैया जी। अच्छा गुरु जी के अब तुम कुछ भी बोल सकते हो, हमारे गुरु है ना, आप फूफा बोलो बाप बोलो हमसे मतलब थोड़ी है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते ना भाई। राजेश भाई और कुछ डबल काला जाम फोड़ रहे हो तुम यार, डबल डबल वाह भाई सानू ठीक है। ए सदिया कह ले जल्दी भाई से मुँह खाना ना खाई करते रहना का नहीं कहेगा। गुरु हमारा आज डांस कर रहा है, बताओ विदाई के आज जा रहा है, कितना मस्त डांस कर रहा है। रखेंगे रखेंगे ब्लॉग में सर रहेंगे जरूर। तो खाना खाना चालू कर दिए हैं, सर भी बैठे थे और गुरु जी हमारे, गुरु हमारे भी फोन आ गया है बात करने, बाकी हमारे साथ और भी हमारे मित्र हैं, हमारे सर भी हैं और हमारे एक सर भी और IW सर हैं द कैलाश और टीम, कुछ लोग जानते होंगे ब्लॉग में देखे होंगे। तो अब सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं, इधर रंजीत भी हैं, सुनील को साथ में अब देखे होंगे, रंजीत को भी जानते हैं। तो खाना चालू करते हैं ताकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, अभी निकलना भी है हमको और पीछे ट्रेन भी आवाज़ आ रही है, तो देखते हैं शुरू करते हैं खाने में। और सब लोग शुरू कर दिए हैं खाना खाने के लिए। तो नींबू भी आ गया है के लिए, नींबू इधर नहीं मिला है अच्छा, एक बार दोबारा चेहरा दिखाइए ना भाई। भाई नींबू भाई दो भी ये मेरे बड़े साहब को बताओ नहीं तुमको मिली है मिक्स वेज और पूड़ी और सलाद, तो सर भी खा रहे हैं हमारे साथ में। अच्छा है सर खाना, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया है, तो खाना हम भी चेक किए थोड़ा सा जो है। और गुरु जी हमारे जो है सर खाना ठीक है, बहुत बेस्ट मजा है, तो आज सब लोग साथ में खा रहे हैं, उसके बाद अब हमारे गुरु जी घर पे खाएंगे अब अकेले में। और पीछे ट्रेन भी आ गई है तो आवाज नहीं आएगी उतना जो है। हाँ चल बदले मिनट लाइगे पिया मजवा नोखा, वाह गुरु वाह गुरु, करे जऊ ते बहिना धो, वाह गुरु वाह बहुत बढ़िया, जवानी चली जाए तो कभो ना आए। हाँ एकदम सही है। तो खाना ना हम लोग खा लिए हैं, सब लोग भी जा रहे हैं और गुरु जी हमारे जो है अब चलेंगे ताकि टाइम ज्यादा हो गया है, तो निकलते हैं। पप्पू कहाँ है यार, नहीं है गए सब, तुम घर कैसे जाओगे? हर तो हम अच्छा ये बच्चा है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन टाइम भी ज्यादा हो गया है ठीक।